साथियों, आज 4 जून, आज 2 जून है और हिंदुस्तान के लगभग सारे प्रतिष्ठान जहां सरकार को रेवेन्यू मिलता है वो सारा खोल दिया गया है। आज मैंने बाज़ार का जायज़ा लिया और सारा बाज़ार अपने रनवे पे है और चल रहा है ठीक ठाक। केवल शिक्षा जगत को सरकार ने बंद कर रखा है, अंधी नगरी में चौपट राजा वाली बात है। जरा एक चीज़ हम दिखाना चाहेंगे, आइए और देखिए। ये हिंदुस्तान पेपर है और हिंदुस्तान पेपर का ही 2 जून का पेपर देखिए, ये भीड़ देखिए। और ये देखिए भास्कर पेपर है, इसका ये भीड़ देखिए। क्या लगता है कि कोई क्लास का टीचर इससे ज़्यादा भीड़ और इस तरह का बेतरतीब ढंग से बच्चों को पढ़ाता होगा? जब सरकार ये सारी व्यवस्थाएं, इससे क्या लगता है सरकार को कोरोना नहीं फैलेगा? अगर इससे सरकार कोरोना से बचा सकती है, अगर हमारे देश के जनता को, तो हम नहीं समझते हैं कि इसको कुछ सुझाव भी देना चाहिए। हम शिक्षाविद लोग हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम, क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम शिक्षकों का रहा है। हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यहाँ की आवाम या सरकार को आगाह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि सर, जब सब चीज़ इस तरह से कोरोना की धज्जियाँ उड़ाता हुआ, अगर सारा हिंदुस्तान का काम चल सकता है, तो जो छोटे शिक्षक हैं, छोटे स्कूल वाले हैं, छोटे कोचिंग वाले हैं, उनका भी स्कूल और कॉलेज, उसका भी संस्थान प्रतिष्ठान खुलना चाहिए। तो साथियों, ज़रूरत है कि हम लोग जागरूक हो और एक संगठनात्मक रूप से मैं बार बार कहता हूँ कि फिर से हमको अपने DM अधिकारी से मिलना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, ताकि ये सरकार को इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाए। नहीं तो अभी के समय में हमारा जो कोचिंग का जीने का एक माध्यम है, कोचिंग या स्कूल, छोटे मोटे विद्यालय, जिसके माध्यम से हमारे मुजफ्फरपुरी ने, बिहार के लाखों आदमी का परिवार जीवन भरण करता है, उनके बच्चे उस पर डिपेंड है, उसके परिवार उस पर डिपेंड है, आज बर्बादी के कगार पर है। ज़रूरत है कि हम उसको बचाने के लिए साथियों संगठित होइए और सरकार से अपनी मांग को सुदृढ़ होकर रखिए। इस तरह से छोटा वीडियो बनाइए और फेसबुक, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से वायरल कीजिए, ताकि सरकार के कानों तक किसी का एक भी वीडियो तो पड़े। मैं डॉक्टर अनवर हुसैन इसकी शुरुआत किया हूँ, सोचता हूँ साथी आप लोग भी शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत।